हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th मैथ्स में त्रिकोणमिति का वो सारा क्वेश्चन लिए हैं जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, इसका मतलब शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन इस सारे क्वेश्चन में कंबाइन है। आपका 100% बिहार बोर्ड में इन्हीं सारे क्वेश्चंस में आना तय है। तो आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको ऑफलाइन के बेहतर तरीके से हम इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। बस आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखना है और घर बैठ में बैठ के ऑफलाइन का मज़ा ऑनलाइन में लेना है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुपातों कौसे टेने और से के को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि क्वेश्चंस कह रहा है कि कॉस ए को बदलिए साइन ए में, ठीक है। फिर कह रहा है टेन ए को आप साइन ए में व्यक्त कीजिए। फिर क्या कह रहा है, सेक ए को साइन ए में व्यक्त कीजिए। देखिए कैसे व्यक्त करते हैं, जो भी फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है वो सारा फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, क्लियर है। देखिए पहले बोल रहा है कि कॉस ए को साइन ए में व्यक्त कीजिए। आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना के बराबर होता है, एक के बराबर। तो देखिए हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, क्लियर है। सो स्क्वायर अगर इस पर हटेगा तो बराबर के में जो भी है उस पर रूट चढ़ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। प्लस ही दिए, माइनस क्यों नहीं दिए, क्योंकि टेंथ क्लास में हम जो भी त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं वो उस त्रिकोणमिति रेशियो का जितना भी एंगल होता है वो न्यून कोण होता है, यानी कि जीरो और नब्बे के बीच में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा त्रिकोणमिति पॉजिटिव लिया जाता है। तो यही तो हो गया, कॉस ए किस में व्यक्त हो गया, साइन ए में। अब दूसरा कह रहा है कि टेन ए को साइन ए में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, क्लियर है। देखिए साइन ए में तो हो गया, लेकिन अभी तो कॉस नहीं है साइन में, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कॉस ए को स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए टेन ए किस में परिवर्तन हो गया, साइन ए में हो गया, यही तो कह रहा। तीसरा क्वेश्चन है कि से के साइन ए में कन्वर्ट कीजिए। तो आप जानते हैं कि सेक ए कितना के बराबर होता है, वन बाय कॉस ए का, वन बाय कॉस ए सेक। ऐसा लिखने से हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट यही हो रहा है कि कॉस ए को हम आसान तरीके में साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए, हो गया ना। कॉस ए साइन में, टेन ए साइन में, और सेक ए साइन में। इस सेशन का दूसरा क्वेश्चन जो कि आप खुद बना सकते हैं, कह रहा है साइन ए से के और टेन ए को कॉट ए में बदले, ये आप कर लेंगे। तीसरा कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को से के में लिखिए। देखिए तीसरा बताते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को से के में बदलिए। आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, ठीक है। सारा त्रिकोणमितीय अनुपात को सेके में बदलिए, तो सेके तो सेके में बदला ही हुआ है, तो पांच को बदलना है, यानी कि पहला साइन ए, यानी साइन ए को बदलना है किस में, सेक ए में, सेके में व्यक्त करना है। अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं, ध्यान से देखते जाना, क्या बोल सकते हैं सर, सेके को हम लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लिए। इसको लिखने से हमें क्या प्रॉफिट मिला? प्रॉफिट यही है कि कॉस ए का इनवर्स यानी कॉस ए कितना गुणा होता है 1/sec ए का, तो कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sec ए का होल स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस ए जान रहे हैं आप कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। अब सुना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और sec ए का स्क्वायर sec स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसमें एलसीएम क्या दिख रहा है? sec स्क्वायर ए, तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर ए आई माइनस 1। आप चाहे तो ये तो sec स्क्वायर ए माइनस 1 हुआ और sec स्क्वायर ए को लिख सकते हैं sec ए, रूट में 2 रहता है तो 1 निकल जाता है। ये फ्री है, ये फ्री नहीं है, क्यों नहीं, माइनस 1 है। देखिए साइन ए sec में चेंज हो गया, क्लियर हुआ? एक तो हो गया, दूसरा है cos ए, cos ए को sec में तो तुरंत हो जाएगा 1/sec, ये तो आराम से हो गया, क्लियर हुआ? तीसरा tan ए, tan ए को sec में चेंज करना है। आपको मालूम होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, क्लियर है? और आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो बता सकते हैं कि चूंकि tan स्क्वायर a बराबर होता है क्या चीज, sec स्क्वायर a माइनस 1, हमें tan a को चेंज करना है sec में, तो सो tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1 होता गया, समझ में आ गया? फिर cot a, श्योर है cot a को लिख सकते हैं 1/tan a, और अभी जस्ट tan a कितना गुणा लिख सकते हैं अंडर रूट स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1 हो गया, cot a sec में चेंज हो गया। और बचा है आपका cos a के, क्लियर है? अब cos a को, cos a को हम कैसे बदलेंगे, बस आपको मालूम होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, हमें कॉसेक स्क्वायर बदलना है ना, तो कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो बोलो तो कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसमें बदलने से हमें क्या प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट यही होगा कि लिख सकते हैं कॉट ए को 1/tan ए, तो कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/tan ए का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही, tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पर समझिएगा क्या करने वाले हैं, करने वाले यही है कि हम कह सकते हैं इसको tan स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए tan स्क्वायर ए प्लस 1 कितना बराबर होता है sec स्क्वायर ए का, और tan स्क्वायर ए हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। कैसे, देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम लिख सकते हैं ना tan स्क्वायर ए को sec स्क्वायर ए माइनस 1, और लिख सकते हो कि 1 प्लस इधर जाएगा आपका tan माइनस, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर को लिख लिए sec स्क्वायर ए। आप इतना भी कर सकते हैं या इसमें एक निकल जाएगा तो आप लिख सकते हैं sec ए डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर ए माइनस 1, तो हो गया ना कि cosec a इसमें चेंज हो गया। आप कैसे भी बना सकते हैं, आप cosec a को लिख सकते थे 1/sin a, फिर sin a को बदल सकते थे cos में, फिर cos को sec में, इस तरह से हम सीख गए हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है। चलिए
इस सेशन का हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। जब हम ये क्वेश्चन बता रहे थे तो हमने एक चीज आपको बताया था, क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है। क्लियर है? कब? जब ए प्लस बी कितना हो जाए 90 डिग्री। एक चीज और आपको बताए थे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है। कब? जब ए प्लस बी कितना 90। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 63 और 27 कितना हो गया 90, 1 हो जाएगा। लेकिन जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दें, तो आप क्या करें साइन स्क्वायर को चेंज कर दें। तो साइन याद है कि साइन थीटा चेंज होता है किस में, कॉस, लेकिन क्या लिखना पड़ता है 90 माइनस थीटा। तो साइन स्क्वायर चेंज होगा किस में, कॉस स्क्वायर, तब क्या लिखना होगा 90 माइनस थीटा देगा 63 डिग्री प्लस, इसको छोड़ दो, कोई एक चेंज करो ऊपर का, ठीक है, ऊपर में कोई एक चेंज कर, अब नीचे में भी कोई एक चेंज कर लो। तो कॉस स्क्वायर उसी तरह, कॉस स्क्वायर चेंज किस में होता है साइन स्क्वायर में, तो लिखना पड़ेगा आपको 90 माइनस थीटा, और थीटा कौन है 17 डिग्री, इसको आप छोड़ दो। अब कॉस स्क्वायर तो ये हो गया, 90 में आपका 63 डिग्री माइनस, 63 डिग्री माइनस होगा तो कितना हो गया 27 डिग्री प्लस ये आपका साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय ये आपका साइन स्क्वायर हुआ, और 90 में 17 घटेगा तो ये हो जाएगा 73 डिग्री, और ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थीटा प्लस हो तो 1 हो जाएगा। देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 27 प्लस सेम है 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 73 प्लस 1, तो ये हो गया। आया ना समझ में? देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, ठीक है, और साइन 65 डिग्री। देखो इसको कैसे बनाना है। देखिए 25 और 65 90 को एक चेंज कर दो, ठीक है, साइन को चेंज कर, साइन किस में चेंज होता है कॉस में, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा 90 माइनस 25 कैस कितना है कॉस 65। एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा 65 इसको 90 में 25 भी घटाइएगा तो 65 ही आएगा, तो ऐसा करें 65 वाला छोड़ देना है, बाकी को आप किसी चेंज में चेंज करें, इसको छोड़ देना है, इसको चेंज करो। कॉस किस में चेंज होगा साइन में, 90 माइनस 25 और ये पहले से साइन 65, आप इधर 65 चेंज करते तो उधर भी आप 65 कर लेते चेंज। ऐसा करने से हमें एक फॉर्मूला निकल जाएगा, 90 में 25 घटाइए कितना देगा 65, पहले से दिया हुआ है कॉस 65, और ये साइन 90 में 25 गया 65 साइन 65, इतना करने से एक प्रॉफिट है ना, कॉस 65 इंटू कॉस 65 तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, और साइन 65 इंटू साइन 65 तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। देखिए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 65 डिग्री सेम है प्लस, इसका मान कितना होता है 1। आगे समझ में? हाँ, पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि हम पांच क्वेश्चन सिद्ध करने की बात जब होती है तो LHS लेके चलते हैं। अब ये LHS में दिया हुआ है sec into 1 माइनस
साइन ए इंटू सेके प्लस टेन ए, और इसको कितना बराबर लाना है, वन के बराबर। अब थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, सबसे सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंपल त्रिकोणमितीय अनुपात साइन और कॉस होता है। तो जब भी क्वेश्चन आए ना, तो कुछ ना करें सबको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। ये लास्ट उपाय होता है, जब ज़्यादा दिमाग ना लगे ना, साइन में कन्वर्ट कर दीजिए साइन कॉस में, और कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए सेक हम बना लेते हैं वन बाय कॉस। याद रखिएगा त्रिकोणमिति में जब तक नहीं प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक आपको इसमें कुछ होगा नहीं। एक बार बनाने से नहीं, कम से कम दो से तीन बार बनाइए, तब आपके दिमाग में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज हो जाएगा। तो सेक को लिख सकते हैं वन बाय कॉस, सब जानते हो फॉर्मूला होता है। ये वन माइनस साइन है, साइन ए चेंज नहीं करना है, सेक को चेंज करना है वन बाय कॉस ए, और टेन ए क्या होता है, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ये सब फॉर्मूला हमने लिखाया था पिछले वीडियो में। अब यहाँ पर समझिएगा, ये तो वन बाय कॉस ए और ये वन माइनस साइन ए है, ठीक है। इस दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है, इस दोनों में एलसीएम आ रहा है आपका कॉस ए, कॉस ए एलसीएम आ रहा है, और ये हो जाएगा वन प्लस साइन ए। जब सेम सेम होता है, जो जैसे है ऊपर वैसे ही उतार देंगे। आपको मालूम होगा कि ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्म रहता है, तो हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। ऐसा क्या क्या है सर, क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? क्योंकि देखो वन माइनस साइन ए इंटू, हाँ कुछ नहीं रहता है, इंटू वन प्लस साइन ए, तो आ गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर तो वन ही हो जाएगा, और साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे कॉस ए यहाँ भी कॉस ए, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और आपको पता है ना वन माइनस साइन स्क्वायर ए कितना के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर, और नीचे में पहले से क्या है, कॉस स्क्वायर ए। ये ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा वन में वन, यही तो आपका आर एच एस है, रूट हो गया। क्लियर हुआ ना? कम से कम तीन से चार बार आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। हम इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और दो से तीन बार इन सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपका छठा क्वेश्चन कह रहा है, हम एलएचएस ले लेते हैं, क्वेश्चन तो स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है। LHS इक्वल cot A माइनस cos A डिवाइडेड बाय cot A प्लस cos A इक्वल cos A के माइनस वन, मतलब कि ये लेते नहीं है, ठीक है। cos A के माइनस वन डिवाइडेड बाय cos A के प्लस वन, यही आपको प्रूव करना है। हम आपको बताए थे ना सिंपल तरीके से, क्या कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, साइन है तो रहने दीजिए, कॉस है तो रहने दीजिए, और बाकी अगर है तो उसको साइन कॉस में बदलने की कोशिश कीजिए। आपको पता है कॉट ए किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए का, पहले से यहाँ क्या है कॉस ए, ठीक है। फिर कॉट ए कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, हो सके तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके पहले आप बनाइए, अगर आपसे बन जाता है तो सही है, नहीं बन जाता तो फिर देखिए लेक्चर कैसे हमने बनाया है, ठीक है। अब एक बात बताइए, कौसे कौसे ऊपर देखो, ये ऊपर है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो वन कुछ नहीं, कौसे कौसे कॉमन आ रहा है ना, तो कौसे को कॉमन ले लो, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, वन, लेकिन नीचे तो साइन ए है, कौ से निकल गया वन, वन बाय वन वन ही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर भी कौ से कॉमन आ रहा है, ले लें कौ से कॉमन, ऊपर कौ से कॉमन होगा तो वन, नीचे तो साइन ए है आपका, प्लस वन, वन बाय वन वन। देखिए कौ से और कौ से ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप मेरे को बात बताइए, आप जानते हैं वन बाय साइन थीटा कितना बराबर होता है कौ से थीटा का, तो वन बाय साइन ए को लिख सकते हैं कॉस ए के माइनस वन, वन बाय साइन ए को लिख सकते हैं कॉस ए के पहले से दिया क्या प्लस वन, यही तो आपको क्या प्रूव करना है। आगे अच्छे से
सही है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है सातवां, और ये सातवां क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आने वाला है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सातवां। सातवां क्वेश्चन का एलएचएस लेते हैं, एलएचएस इक्वल साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। देखिए आपको साबित करना है वन बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आपसे पूछेगा कि वन बाय सेक टेन, सेक टेन, और आपको पता है सेक कब होता है वन बाय कॉस, टेन कब होता है साइन बाय कॉस, सेक वन बाय कॉस, ऐसा करें ना, वन सेक वन बाय कॉस, तो ऐसा करते हैं कॉस ऊपर कॉमन ले लेते हैं अपने मन से, कॉस थीटा, साइन में तो कॉस है ना, याद रखिएगा जब किसी में कॉमन ना हो तो वो नीचे हो जाता है, तो नीचे कौन हो जाएगा कॉस थीटा, इसमें तो कॉमन आ रहा है तो वन, इसमें भी कॉमन नहीं आ रहा तो वन बाय कॉस, देखो इतना करने से क्या हुआ वन बाय कॉस सेक आ गया, साइन बाय कॉस टेन आ गया, ऐसा ही इसमें जितना ऊपर की उतना कॉमन लेना है, तो ऊपर आपने कॉस लिया था यहाँ भी कॉस लेना है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस तो मिल गया वन, इसमें नहीं है तो वो हो जाएगा वन बाय कॉस थीटा। खेल भाई आप तक, अब देखिए ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देखिए साइन बाय कॉस क्या हो गया आपका टेन थीटा हो गया माइनस वन, सही है, और प्लस, ठीक है, वन बाय कॉस को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब यहाँ पर साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या है टेन थीटा हो जाएगा, और प्लस वन माइनस सेक थीटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब थोड़ा सा समझिए, देखिए सिद्ध करना है क्या, वन बाय सेक थीटा माइनस थीटा, वन वन ऊपर वन ही रहना चाहिए, तो ऊपर को कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, जब भी करना नीचे करना है, ठीक है, तो देखो ये रहने दो इसको टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा रहने दिए। अब यहाँ पर देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा इसके साथ सटा देते हैं और प्लस वन बचा है, आप वन को लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो वन को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लिख दिए। देखिए इतना करने से हमें क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाय ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब थोड़ा सा समझें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम लिख सकते हैं इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ टेन थीटा माइनस सेक थीटा है और यहाँ आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, और नीचे प्रूफ क्या करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा रहने दो, हम क्या करते हैं इसी में माइनस कॉमन ले लेते हैं टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा। अब यहाँ पर जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस सेक थीटा बन जाएगा प्लस सेक थीटा, अब प्लस टेन थीटा बन जाएगा माइनस टेन थीटा, और ये है प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ तक सही है। अब क्या करना है टेन थीटा सटा दो जहाँ प्लस लिख दे एक बार हमारे सुन, वो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए इसमें ये और ये कॉमन आ रहा है ना, ले लो कॉमन सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लिया, अब ये कॉमन हो गया तो माइनस इसके साथ कुछ नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस वन,
ये पूरा कॉमन हो गया, तो बीच में तो प्लस है और यहाँ क्या है sec थीटा प्लस tan थीटा। इतना करने से क्या दिख रहा है, इतना करने से देखिए ये दोनों सेम दिख रहा है, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस थीटा माइनस वन माइनस वन, तो ये और ये कैंसिल, ऊपर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा वन, तो ये हो गया ऊपर वन, नीचे क्या है sec थीटा माइनस tan थीटा, यही तो आपका क्या है RHS। आया ना समझ में इस तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको बनाना है। इसमें हमने क्या किया था, कॉस थीटा कॉमन लिया था, उसमें आप ले लेना साइन थीटा कॉमन, और ये क्वेश्चन है आपका, हाँ ये क्वेश्चन आपका है ये 12 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आप ही बनाइएगा। हम देखिए सारा क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, दो तीन क्वेश्चन और बताएंगे और छोड़ देंगे आपके लिए, आप बनाइएगा, हम इसका PDF लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करके कहिएगा कि सर नहीं बना, फिर से बता दीजिए बचा हुआ क्वेश्चन, तो हम फिर से बना देंगे, क्लियर है ना। अगर हम सब बना दिए वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आपको अभी क्वेश्चन बनाने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप खुद ब खुद बनाइएगा, कोई भी बुक से हेल्प लीजिए, अरे बनाइएगा तब ना आपको लगेगा कि हम कुछ किए हैं, ठीक है ना। तो दो तीन क्वेश्चन और बताते हैं और बाकी आप सबको बनाना है, हम 10 तक बताते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 आप बनाइएगा, क्लियर है। नहीं बनता है तो अगले वीडियो अगले कमेंट सेक्शन में कहिएगा कि सर एक और वीडियो बना दीजिए, बाकी क्वेश्चन बता दीजिएगा, ठीक है। हम ये यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड करेंगे और इसे हम फेसबुक पर भी अपलोड करेंगे, जहाँ हो वहाँ आप देखिए, लेकिन देखिएगा जरूर, घर बैठ के रहना नहीं है, क्योंकि सरकार ने एक और आदेश दिया है कि लॉकडाउन बढ़ गया है और अभी ना तो आपका स्कूल खुलेगा, ना तो आपका कॉलेज, ना तो आपका कोचिंग संस्थान, तो आप बैठे अपना टाइम को बर्बाद नहीं कीजिएगा, क्लियर है ना। घर बैठ के आप स्मार्ट तरीके से पढ़िए, और मोबाइल तो सबके पास है, घर में किसी न किसी एक पर्सन के पास है ही है, उनसे लेके आप आधा एक घंटा वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। अब एक आठवां क्वेश्चन हम बताते हैं, आठवां क्वेश्चन कह रहा है LHS इक्वल cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, जो बराबर वन माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस cos थीटा। तो देखिए करना क्या है, हम वही बोले cosec सबको sin cos में कन्वर्ट कीजिए, तो cosec को हम लिख सकते हैं वन बाय sin, और cot को लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, इस पर क्या है स्क्वायर कर दिए। अब क्या करना है, LCM sin थीटा वन cos, यहाँ तक तो सही है। अब क्या करना है, स्क्वायर हिस्सा आपको पता है ना, a by b पर अगर पावर m हो तो हम इसको a पर m डिवाइडेड बाय b पर m लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं वन माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और sin थीटा का स्क्वायर तो लिख सकते हैं आप sin स्क्वायर थीटा। अच्छा इसको आप लिख सकते हैं वन माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और आपको मालूम है sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं वन माइनस cos स्क्वायर थीटा। फिर से देखिए, देखिए वन माइनस cos थीटा का तो होल स्क्वायर हमने लिख दिया है, देखिए वन माइनस cos स्क्वायर थीटा, वन को हम वन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो लिख सकते हैं इसको वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, लिख सकते हैं। देखिए वन माइनस कॉस थीटा दो बार है, ये वन माइनस कॉस थीटा एक बार है, दो बार में एक बार कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस थीटा, यही तुमको क्या करना है, प्रूव करना है। आगे समझ में,
नाइन नंबर क्वेश्चन है, LHS इक्वल cos A डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन A प्लस वन प्लस साइन A डिवाइडेड बाय cos A, जो कि प्रूफ करना है टू से के। देखिए हम बढ़िया से समझिएगा, इसमें तो सब साइन cos पहले से है, तो करना क्या, बस करना कुछ नहीं है, आप दोनों में एलसीएम ले लें, तो इसको लिख सकते हैं वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये दोनों कैंसिल, कॉस ए बचा, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए जैसे एलसीएम लेते हैं, कॉस ए कैंसिल, तो ये दोनों, तो वन प्लस साइन ए इसमें इंटू होगा, सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, इतना तो कर सकते हैं, कर दिए। अब क्या करना है सर, कॉस स्क्वायर ए, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो वन का स्क्वायर वन, बी स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस टू ए बी, टू इंटू वन इंटू साइन ए हो जाएगा टू साइन ए, और नीचे रहने दीजिए आप वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तभी सही है। फिर देखिए एक बात देखिए, कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए एक साथ जब लिखिएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर एक साथ लिखिए तो इसका मान क्या आएगा, वन, जानते हैं पहले से क्या आया प्लस वन, फिर ये क्या है प्लस टू साइन ए डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन ए इंटू क्या है कॉस ए, अच्छा वन प्लस वन को हम लिख सकते हैं टू, अच्छा टू प्लस टू साइन ए, टू कॉमन ले लो आप, तो वन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, अब देखिए वन प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा टू नीचे कॉस ए टू, और आपको मालूम है वन बाय कॉस ए को हम लिख सकते हैं सेक, कॉस ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेके, यही तो आपका क्या है आर एच एस, आ गया समझ में। हाँ दसवां क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, दस नंबर का क्वेश्चन में LHS लेते हैं, LHS है tan theta divided by 1 minus cot theta plus cot theta divided by 1 minus tan theta, क्या करना है सर, हम बोले ना सबसे सिंपल तरीका है sin cos में कन्वर्ट कर दो, तो हम tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा 1 माइनस, ठीक है एक और विधि है, हम वो विधि ऐसे sin cos में तो बना ही डालिएगा, हम एक और विधि बता देते हैं, ऐसे त्रिभुजमिति को बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं लेकिन सिंपल तरीका से एक और कर देते हैं, देखिए tan थीटा cot theta को लिख सकते हैं 1 by tan theta, cot theta को लिख सकते हैं 1 by tan theta divided by 1 minus tan theta, ऐसा सबको एक जैसा बना लो, या तो tan में सब बना लो या तो cot में, आप sin by cos भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इतना करने से क्या मिला मुझे, ये तो tan theta ठीक है, अब जब LCM आ रहा है तो LCM आ रहा है तो नीचे हो जाएगा tan theta, ये हो जाएगा tan theta minus, आपको मालूम है कि a by b by c, जब मेन लाइन ये हो तो हम इसको लिखते हैं a बटे बी सी, जब ये मेन लाइन हो, देखो मेन तो मेरा ये है तो नीचे हो जाएगा क्या 1 by tan theta into 1 minus tan theta, लेकिन अगर a b by c मेन लाइन ये हो तो ये पलट जाता है तो हो जाता है ए सी बाई बी,
मेन तो आपका ये है, ये पलट जाएगा तो क्यों जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, ये टेन थीटा माइनस वन है और ये वन माइनस टेन थीटा है, तो आप करें क्या, कुछ नहीं करना है, दोनों को सेम, या तो इसमें माइनस कॉमन ले लो या तो उसमें माइनस कॉमन ले लो, जिसमें लेना ले लो, ले लेते हैं इसे, टेन ऊपर चला गया माइनस से सेम ले लेते हैं, तो वन माइनस टेन थीटा, और इसको आप रहने दो, टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा। अब क्या करेंगे सर, अब करना कुछ नहीं है, हम यहाँ लिखते ऊपर, इन दोनों में एलसीएम क्या दिख रहा है, जो सेम है पहले वो लिखते हैं, वन माइनस टेन थीटा और क्या है टेन थीटा, देखिए वन माइनस टेन थीटा कैंसिल तो बचा टेन थीटा, टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा टेन क्यू थीटा, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस लिख लो, प्लस दोनों तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा वन, यहाँ तक तो सही है, जब यहाँ सही है, अच्छा माइनस टेन क्यू थीटा प्लस वन लिखो या वन माइनस टेन क्यू थीटा, बस इधर उधर कर देंगे। अच्छा वन को हम वन क्यू लिख सकते हैं, श्योर है वन क्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं वन माइनस टेन थीटा ए स्क्वायर यानी वन प्लस ए बी वन इंटू टेन थीटा, टेन थीटा प्लस क्या चीज़ टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थीटा, देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया, एक और बचा हुआ है टेन थीटा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या करना है, देखिए अब ऊपर बचा है वन प्लस टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचा है टेन थीटा, देखिए तीन टर्म है तो जब टर्म ब्रेक होगा तो ये टेन थीटा सभी टर्म के नीचे आएगा, हम इसको लिख सकते हैं वन बाय टेन थीटा, इसको लिख सकते हैं टेन थीटा बाय टेन थीटा, इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा, वन बाय टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा, टेन थीटा टेन थीटा कैंसिल हो गया वन बार में और ये एक कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। अभी ये नहीं है तो आप क्या कर, अब वही सिंपल बात साइन कॉस में चले, टेन को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस वन, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा, साइन साइन खत्म, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो दोनों हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस कॉस कैंसिल क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना वन, और ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर से ब्रेक करो आप, वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इससे ब्रेक करो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो वन बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस सेक थीटा, वन बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और ये दोनों तो कैंसिल वन बार में, आप इसे ऐसे एक बार और लिख सकते हैं वन प्लस कॉस सेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये तो आपको क्या करना है, सिंपल था कि शुरू में ही साइन कॉस में बदल देते तो इतना लंबा करना नहीं पड़ता, आप करिएगा सबको साइन कॉस में बदल दीजिएगा और फिर बनाएगा इतना आ जाएगा, हमने क्या किया सबको टेन में बदल, फिर तो साइन कॉस करना ही पड़ा, आप शुरू में ही कर दीजिएगा और आप बनाइएगा, क्लियर है ना। तो ये रहा था आपका दसवां क्वेश्चंस, और फिर है आपका ग्यारहवां बारहवां तेरहवां चौदहवां पंद्रहवां छठा सत्रह, अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं तो आप श्योर है बनाइएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप प्रयास कीजिएगा बनाने का, अगर आपसे नहीं बनता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से 11 से लेकर 17 तक बना देंगे, अगर आपसे बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो
तो हम फिर से बनाएंगे, क्योंकि वीडियो जब लंबा हो जाएगा तो आप श्योर हैं कि लंबा वीडियो तो आप देखना पसंद नहीं करेंगे, क्लियर है ना। मूवी हो 3 घंटा का तो वो देखना लाइक करेंगे, लेकिन अगर ये 50 मिनट 1 घंटा का वीडियो बन जाए एजुकेशनल वीडियो तो आप बीच में ही स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। तो हम थोड़ा ही पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़िए ना, मोबाइल में पढ़ने का आदत लगाइए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, ठीक है ना, लेकिन ज़रूर पढ़िए, ठीक है। तो 10 नंबर तक तो यही है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आप बनाइएगा। हम इसका क्वेश्चन का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और आप प्लीज़ क्वेश्चन को बनाइए, नहीं बनता है तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी वीडियो बनाएं। हम रेगुलर वीडियो बना सकते थे, लेकिन आप सब रिस्पॉन्स देते ही नहीं हैं। जब रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो मेरा भी लगता है कि अब लड़के रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, बना रहे हैं, कॉमेंट में हम बार बार बोलते हैं लिखिए लिखिए लिखिए। कंटिन्यू वीडियो तो हम कंटिन्यू डालेंगे, एक ही वीडियो, एक दिन मैथ्स कंपटीशन का, एक दिन 12th मैथ्स का, एक दिन 10th मैथ्स का, और एक दिन 11th मैथ्स का डालेंगे। अगर आपका कमेंट आए बार बार तो हम डेली डालते रहेंगे, सारे लेक्चरर, मतलब कि 10th 12th 11th डेली। लेकिन आप पता नहीं, लॉकडाउन 2 महीना होने चला है तब भी ना आप रिस्पॉन्स ले रहे हैं। घर में बैठ के कुछ होने से नहीं है, आपको घर में बैठ के पढ़ना है, ठीक है ना। इसीलिए स्टे एट होम, स्टडी एट होम, क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।